कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को इस्तीफा देने को कहा है। कमलनाथ लंबे वक्त से मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं। इस बार का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी को बड़ी जीत इस चुनाव में मिली है। से चर्चा कर रहे हैं, सब हमने उम्मीदवारों को बुलाया, हारे हुए जीते हुए, उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। आपके नेता प्रतिपक्ष ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम है, आपको भी लगता है क्या? देखिए, अभी सबकी बात मैं सुन लूं, ऐसे मैं चर्चा करूं, ऐसे मैं एक फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं होगा। सर, आपके मुताबिक क्या हुआ? क्या हुआ सर, इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा? देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, और घर से मैंने देखा।